तो दोस्तों ये देखो पालक जो कि हम अभी मार्केट से लेके आए हैं और इसको हम बनाएंगे अच्छी तरीके से। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो पालक को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसमें कीड़े भी होते हैं बहुत सारे, इसलिए इस पत्ते को हम देखेंगे अच्छी तरीके से। देखने के बाद फिर इसको साफ़ सफाई करके इसको हम मशीन में ग्राइंडिंग करके फिर इसको हम बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको। दोस्तों काटने के बाद दिखाते हैं इसका आगे का प्रोसेस, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज हम बनाएंगे पनीर और पालक की सब्जी। तो दोस्तों पालक को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। तो दोस्तों ग्राइंडिंग करने के लिए हम इसको हाफ बॉईल करेंगे। अभी हाफ बॉईल करने के बाद फिर ग्राइंडिंग करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। तो दोस्तों इसको हमने हाफ बॉईल करने के लिए रख दिया है। अभी मात्र 2 मिनट में हाफ बॉईल हो जाएगा, उसके बाद इसको हम ग्राइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों देखो इसको हमने उबाल दिया है। उबालने के बाद देखो कलर चेंज हो गया इसका, देखने में कितना अच्छा लग रहा है अब। तो दोस्तों उबालना हो गया है, अब इसको हम ग्राइंडिंग मशीन में डाल लें। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो इसको हम ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों देखो पालक को हमने ग्राइंडिंग कर दिया है और देखो कितना अच्छा दिख रहा है अब, खाने में भी उतना अच्छा टेस्ट होगा इसका भी। तो दोस्तों आगे के वीडियो में बने रहिए। तो आगे हम दिखाते हैं पालक पनीर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों पनीर के हम पीसेस बनाएंगे क्योंकि पनीर के पीसेस छोटे छोटे पीसेस होंगे तभी खाने में स्वादिष्ट होगा, इसलिए इसको हम पीसेस में कर लेंगे। अभी छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। तो दोस्तों देखो पनीर के पीसेस हो गए हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े में काटे हैं इसको ताकि अच्छे तरीके से बने, इसके अंदर मसाला भी जाए अच्छे तरीके से ताकि खाने में स्वादिष्ट हो। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हम सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें हम अभी पनीर को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, पनीर में हम थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए हमारा और साथ में थोड़ा नमक भी डाल देंगे ताकि टेस्ट अच्छा हो उसका। तो दोस्तों हमने तेल में डाल दिया इसको पनीर को, अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, थोड़ा लाल लाल हो जाएगा उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारा पनीर लाल लाल करके हमने भून लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको दिखाते हैं कि आगे हम कैसे बनाते हैं। सरसों का तेल और डाल दिया है जिसमें कि अब हम इसमें आगे प्रोसेस दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो दोस्तों हमने तेज़पत्ता भी डाल दिया इसमें ताकि टेस्ट और बढ़ जाए हमारा सब्ज़ी का। तो दोस्तों जो हमने ग्राइंडिंग करके रखा था पालक को अब इसमें हम डाल देंगे। दोस्तों तो हमने डाल दिया है पालक को भी, अब इसको थोड़ी देर रखेंगे। स्वाद अनुसार हमने इसमें पानी भी डाल दिया, अब जितना हमें पानी की ज़रूरत है उतना हमने पानी डाल दिया इसमें। डाल दिया हल्दी। तो दोस्तों स्वाद अनुसार नमक। तो दोस्तों अब हमने मिर्च पाउडर डाल दिया है ताकि हमारी सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाए थोड़ा। तो दोस्तों इसको हम ढक देंगे अब 10 मिनट के लिए ताकि उबाल आ जाए इसमें। तो हम अभी ढक्कन को खोलेंगे और चेक करेंगे, तो हमारे इसमें अच्छा खासा उबाल आ गया है तो उसको हम अभी चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने अपना पनीर को डाल दिया है अब इसमें। देखो दोस्तों हमने इसमें पनीर को डाल दिया है, अब इसको हम 5 मिनट बनाएंगे। 5 मिनट के बाद हमारा पनीर की सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। तो ये देखो हमारा सब्ज़ी का फाइनल शॉट और अब ये खाने के लिए तैयार हो गया है, तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। टेस्ट में तो बहुत अच्छा है ये, हमने चेक किया है अभी।
चेक करने के बाद बता रहे हैं आपको, इतना अच्छा टेस्ट आया इसका, क्या बताएं आपको। तो आप दोस्तों लाइक और कमेंट करके बताना कि सब्ज़ी कैसा बना है हमारा, और सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़।